हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट फोकस आईएएस में। मेरा नाम है ललित आनंद और आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि जितने भी वॉर हुए थे आधुनिक भारत के इतिहास में उन सबको एक जगह करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि मैं इस सेशन में बताऊं कि हम इस सेशन में क्या क्या करेंगे तो हम सारे कर्नाटिक वॉर के बारे में बात करेंगे। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, देखिए ये 1761 का है ना, इसलिए इसको हम आधुनिक भारत के इतिहास में काउंट करके पढ़ रहे हैं, है ना। इससे पहले जो था 1526 का जो पहला था, फिर 56 में जो दूसरा होता है 1556 में, तो उसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पे लेंगे केवल थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, बात करेंगे इस सेशन में बक्सर के युद्ध के बारे में, फिर एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे उन सभी के बारे में बात करेंगे, सभी एंग्लो मराठा वार के बारे में बात करेंगे, आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था उसके बारे में भी हमको पढ़ना है इसी सेशन में, और जो आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुए थे, अंग्रेजों और बर्मा के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, एंग्लो अफगान युद्ध के बारे में बात करेंगे, जितने अफीम युद्ध हुए अफीम युद्धों के बारे में बात करेंगे, और सभी जो एंग्लो सिख वॉर थे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर सेशन लंबा होता है तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना, कि पार्ट वन आज कर लिया, फिर पार्ट टू आपके पास फिर 2 दिन बाद आ जाएगा, फिर अगर और चीज़ें बचती हैं तो पार्ट थ्री भी इसका ज़रूरी हो जाएगा। मतलब केवल हमको क्वालिटी पे काम करना है, हमको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए अच्छे से। वो मतलब नहीं है कि थोड़ा टाइम लगता है तो लग जाए, है ना। तो हम देखते हैं कि लगभग मेरा जो इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि 25 से 30 मिनट का हर सेशन हो, है ना, और उसमें हम जितने वॉर कवर कर पाएँ उतने कर लें, बाकी को हम अगले सेशन में कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले जो हमको बात करनी है, सबसे पहले हम चलते हैं कर्नाटिक वॉर की तरफ। ठीक है, तो कर्नाटिक वॉर के बारे में आपको इतना जानना जरूरी है कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है ना, पहले तो ये जानना जरूरी है कि कर्नाटिक वॉर किस किस के बीच लड़े गए। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध लड़े गए उनको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। इसमें कर्नाटक युद्धों में 3 युद्ध हुए, जिसमें जो पहला कर्नाटिक वॉर है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, जिसका टाइम पीरियड 1746 से 48 तक का है। ठीक है, देखिए ये जो कर्नाटक युद्ध है, जो पहला कर्नाटक युद्ध है, ये इसके प्रत्यक्ष कारण भारत में मतलब नहीं थे, है ना, ये भारतीय परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ था। इसका जो रीजन था, इसका रीजन था यूरोप की आपस की लड़ाई, अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की। ठीक है, असल में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था वहां पे। देखिए 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये 48 तक चला था, 1748 तक। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों आपस में उसके उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हो गए और ये आपस में लड़ने लगे। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ, अब चूंकि ये भारत में भी थे, भारत में भी अंग्रेज हैं, भारत में भी फ्रांसीसी हैं, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इन दोनों के बीच में शत्रुता हो गई और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, है ना। ये दोनों यहाँ पे मौके तलाशने लगे किस तरीके से यहाँ पे अपनी जो दुश्मनी है उसका बदला लिया जाए एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि किसी की गाँव में कोई लड़ाई है, कोई दो परिवार हैं गाँव में रहते हैं और उनकी आपस में वहाँ पे किसी बात को लेकर लड़ाई है, तो यदि उन दोनों परिवारों के बच्चे शहर में आके रहते हैं तो शहर में उनके बच्चों के बीच भी ना थोड़ा सा मनभेद हो जाता है, समझ गए, मतभेद नहीं होता है, मन भेद एक होता था। ठीक है, तो यही हुआ था कर्नाटक प्रथम युद्ध में भी। ये युद्ध के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार मात्र था, है ना। अब ये जो दोनों हैं, अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी, ये अपनी गृह सरकार, जो इनकी सरकार थी उसकी आज्ञा के विरुद्ध इन दोनों दलों ने क्या किया, 1746 में, डेट इंपॉर्टेंट है, इन 1746 में युद्ध आरंभ कर दिया, है ना। और युद्ध की जो शुरुआत थी वो अंग्रेजों की तरफ से हुई। क्लियर हो गई इतनी बातें, अब यहाँ पे सब फैक्चुअल चीजें भी लिखी होंगी तो वो सब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से भी याद कर लेंगे, है ना। कहानी मेनली आपको समझनी है, रीजन क्या है। ठीक है, तो असल में क्या हुआ था कि बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया, कुछ फ्रांसीसी जलपोत जो थे, जो फ्रांस के शिप थे, उनको पकड़ लिया था। ठीक है, अब इस समय हमने गवर्नर जनरल आपको सब पहले याद करा दिए हैं तो आपको सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, ये आसानी है इस सेशन की, है ना। तो डुप्ले ने क्या किया कि जो कर्नाटक के नवाब थे उनसे अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की कि भाई आप हमारे जहाज़ों की सुरक्षा कराइए, उनसे हमारे जहाज वापस कराइए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि नवाब की किसी भी बात पर गौर नहीं किया। कर्नाटक के नवाब ने जब अंग्रेजों से कहा कि आप फ्रांसीसियों के जहाज वापस कर दीजिए, तो अंग्रेजों ने उस नवाब की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
तो अब जब ये नहीं हुआ तो परिणाम इसका क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि जो डुपले था वो हाथ पैर मारने लगा, इधर उधर से सहायता मांगने लगा कि किसी तरीके से मुझको मेरे जहाज वापस मिल जाए। ठीक है, तो डुपले ने क्या किया कि मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर थे, जो मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर थे ला बुर्डोन, उनका नाम याद नहीं रखना है आपको, ला बुर्डोन से सहायता मांगी। तो ला बुर्डोन ने क्या किया, उन्होंने 3,000 सैनिक जो थे वो एक बेड़े के रूप में भेज दिए यहाँ पे डुपले की सहायता के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने मद्रास पर अधिकार कर लिया, जो 3,000 सैनिक आए और डुपले के जो सैनिक थे इन लोगों ने मिलकर क्या किया, मद्रास पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब फ्रांसीसियों ने भूमि के साथ साथ समुद्र इन दोनों तटों पर घेरा डाल दिया, यानी कि अंग्रेजों के लिए समस्याएं पैदा कर दी। ठीक है, अब ला बुर्डोने जो थे असल में उसका विचार ये था कि मैं अंग्रेजों को परेशानी में डालकर उनसे फिरौती ले लूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने ला बुर्डोने ने 40,000 पौंड लिए और मद्रास से क्या किया, अंग्रेजों को, मद्रास जो था अंग्रेजों को वापस लौटा दिया, अपनी सेनाएं वहां से हटा ली। ठीक है, लेकिन डुपले ने इस तरह का क्या हुआ, अपने को मजबूत कर लिया और डुपले ने इस नगर को फिर से जीत लिया, मद्रास को। ठीक है, अब फ्रांसीसियों द्वारा क्या हुआ, मद्रास का घेरा जब हो गया तो अब अंग्रेजों ने भी क्या किया, अंग्रेजों ने भी नवाब का संरक्षण चाहा कि अब नवाब हमारी मदद करे। तो नवाब ने फिर से, अब नवाब तो कठपुतली एक तरीके से है, वो उधर से फ्रांसीसी कहते हैं तो वो अंग्रेजों से बोल देता है, अंग्रेजों ने कहा तो उसने फ्रांसीसियों से बोल दिया। ठीक है, तो नवाब ने क्या किया, नवाब ने कहा कि भाई आप मद्रास से अपना घेरा उठा लो। लेकिन डुपले ने क्या किया, डुपले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वो मद्रास से अंग्रेजों को हटा देगा और मद्रास जो है वो आपको सौंप देगा, यानी कि नवाब को सौंप देगा। ठीक है, तो नवाब जो था वो डुपले के इस कथन को लेकर वापस आया, लेकिन उसको संदेह हुआ कि जब ये अंग्रेजों को यहां से हटा देगा, इसने नहीं हमको मद्रास दिया तो, है ना, तो नवाब को शंका होने लगी डुपले के इस कथन पर। तो यहीं से क्या हुआ कि युद्ध जो था वो अवश्यंभावी हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको जो फैक्ट हैं वो याद रखने हैं, कौन कौन पीपल इन्वॉल्व थे इसमें, कहाँ पे ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या रहा, वो तो ये सब फैक्ट जो है वो तो आप यहाँ से देख लेंगे, पीडीएफ में आपको इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब इस युद्ध में जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है, इसमें आपको एक युद्ध याद रखना है, वो है सेंट थोमे का युद्ध। ठीक है, सेंट थोमे का युद्ध आप याद रखेंगे, इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, इसकी डेट है 1748। ठीक है, अब कर्नाटक के युद्ध में ये सर्व प्रमुख युद्ध है ना। इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना और नवाब जो थे वहां के अनवरुद्दीन उनकी सेना, अब इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अंग्रेज किसकी तरफ जाएंगे, तो अंग्रेज जो है वो तो फ्रांसीसियों के विरुद्ध जाएंगे, यानी कि वो अनवरुद्दीन की सेना का समर्थन करेंगे, इतनी बात आप डिराइव कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अब यहाँ से जो एक कैप्टन पैराडाइज है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी जो फ्रांसीसी सेना थी उसमें लगभग 230 फ्रांसीसी थे और 700 भारतीय सैनिक थे, है ना, उनके बीच क्या हुआ कि 10,000 की सेना थी नवाब की, इनके बीच लड़ाई लड़ी गई। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो छोटी सी सेना है फ्रांसीसियों की, इस फ्रांसीसियों की छोटी सी सेना ने जो भारतीय सेना है उसको पराजित कर दिया, जो नवाब है उसकी सेना को पराजित कर दिया, 10,000 की सेना को। ठीक है, 10,000 की सेना को इन लगभग 930 या 950 लगभग 1,000 व्यक्तियों की सेना ने पराजित कर दिया। तो इस युद्ध से क्या स्पष्ट हो गया, इस युद्ध से एक बात स्पष्ट हो गई कि जो घुड़सवार सेना है, नवाब के पास अधिकांश घुड़सवार सेना थी, जो घुड़सवार सेना है उसकी अपेक्षा जो तोपखाना है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, और इस एक छोटी सी इकाई नहीं, छोटी सी फौज नहीं, ये जो छोटी सी एक अनुशासित फौज थी फ्रांसीसियों की, ये इतनी बड़ी फौज पर भारी पड़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ वो तोपखाना उनके पास था। सही है, उनकी युद्ध नीति में तोपखाना शामिल था, तोप का प्रयोग शामिल था, बात क्लियर हो गई, यानी कि ये तोप खाने वाली बात जो थी वो निकल के आ गई कि तोप खाना श्रेष्ठ है ना। तो अब इस युद्ध का महत्व तो इस बात से भी है कि इससे नौ सैनिक शक्ति की जो महत्ता है, जो श्रेष्ठता है, वो स्थापित हो गई, है ना, और यूरोपीय अनुशासित सेना की एक उत्कृष्टता सामने आई। और एक और बात निकल के सामने आई, उससे क्या पता चला कि जो भारतीय राजनीति का जो खोखलापन है, भारतीय राजनीति का जो खोखलापन है वो भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, फाइनली ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो क्या हुआ कि यूरोप में ये दोनों लड़ रहे थे। ठीक है, तो यूरोप में ही क्या हुआ कि वहां पे शांति स्थापित हो गई, यूरोप में अक्सला शैपेल की संधि हो गई थी 1748 में।
ठीक है। 1748 में अक्सला शैपल की जो संधि हो गई थी उसकी वजह से ये युद्ध जो था यूरोप में समाप्त हो गया फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। अब चूंकि फ्रांसीसी और यूरोप की इसमें अंग्रेजों के बीच में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, तो भारत में भी इसी संधि को मानकर इन लोगों ने युद्ध समाप्त कर दिया। ठीक है, इस संधि से जो मद्रास था वो अंग्रेजों को दे दिया गया। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से युद्ध के प्रथम दौर की यदि हम बात करें तो ये जो दोनों दल हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दोनों दोनों दल दल जो जो हैं हैं। वो बराबर रहे। ठीक है, लेकिन इस युद्ध का प्रभाव क्या निकल के सामने आया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस युद्ध से एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि नौसैनिक शक्ति उसकी महत्ता स्थापित हो गई, पहली बात। दूसरी बात इस युद्ध से सामने आ गई कि भारतीय राजनीति का खोखलापन, चीजें क्लियर है ना? तो ये दो बातें इस युद्ध से सामने आ गई। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक युद्ध के बारे में। दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध था इसका समय जो है 1749 से 54 तक का है। ठीक है, समय आप याद रखिए, कई बार मिलाने के लिए आ जाता है। बात क्लियर हो गई। इसके बारे में जो की फैक्ट है वो यहाँ पे है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्या रिजल्ट रहा, किस किस के बीच लड़ा गया, वो सब बातें। लेकिन जो एक कहानी के रूप में आपको याद रखना है तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, सुनी हुई बातें ज़्यादा याद रह जाएंगी। बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें साथ साथ चलेंगी। एक तो यहाँ पे निजाम वाला किस्सा एक साथ चलेगा, दूसरा यहाँ पे कर्नाटक के नवाब का भी मैटर चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको इतना जान लेना है कि हैदराबाद में हैदराबाद का निजाम था, तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे निजाम की मृत्यु जो थी, निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो था, उसकी मृत्यु से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की परिस्थितियां पनप गई। ठीक है, सेम इसी तरीके की परिस्थितियां पनपी कर्नाटक में भी, है ना? तो जैसे 1748 में हैदराबाद में आसफ जाह जो था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह पूरा नाम था, उसकी मृत्यु हो गई और उससे उत्तराधिकार के संघर्ष ने जन्म लिया। ठीक है, इसी समय क्या होता है, इसी समय निजाम का जो पुत्र है नासिर जंग, वो उत्तराधिकारी बनने की बात होती है कि भाई उसका बेटा है तो हेरिडिटी चली आ रही है आनुवंशिकता, तो वही पुत्र जो है उसका वही राजा बनेगा, वही निजाम बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो भांजा था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग ने इस दावे को चुनौती दे दी कि नासिर जंग क्यों बनेगा नवाब, निजाम निजाम मैं बनूंगा। यानी कि मुजफ्फर जंग चाहता है निजाम मैं बनूं। बात क्लियर है, इतनी चीजें यहां तक की। अब इस दावे को उसने चुनौती दे दी। तो दूसरी तरफ हम कर्नाटक में यदि आ जाएं, कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है, उनके बहनोई थे चंदा साहब, यहां पे इन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। अनवरुद्दीन खुद नवाब बनना चाहता है और चंदा साहब चाहते हैं कि नवाब बने हम। यहां तक की बातें क्लियर होगी। तो इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। अब डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने सोचा इन दोनों जगह पे जो ये राजनीतिक अस्थिरता आई है इससे क्यों ना कुछ लाभ कमाया जाए। ठीक है, तो उसने इससे अपने को राजनीतिक लाभ लेना चाहा। यहां तक की चीजें क्लियर है। तो उसने क्या किया कि मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम बनाने का आश्वासन दिया, यानी कि निजाम के भांजे को। ये चीजें थोड़ी सी समझनी है आपको, है ना, कि फ्रांसीसियों ने किसका समर्थन किया, अंग्रेजों ने किसका। क्लियर है, तो यहां पे क्या याद रखना है कि डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने निजाम का जो भांजा था मुजफ्फर जंग उसको समर्थन दिया कि मैं आपको निजाम बनवा दूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा निजाम बनने में। ठीक है, वहीं पे यहां पे जब आई दूसरी तरफ कर्नाटक में आ जाइए तो उन्होंने क्या किया कि चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने का आश्वासन दिया, कहा कि मैं आपको सैनिक सहायता दूंगा। ठीक है, ये वचन दे दिया। अब देखिए, अब क्या होगा, अंग्रेज क्या करेंगे? अब चूंकि दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता है, दोनों के बीच में दुश्मनी है, एनिमिटी है, यूरोप से ही चली आ रही है, तो यहां पे भी क्या करेंगे दोनों पार्टी। अब जिसके समर्थन में फ्रांसीसी जाएंगे, सीधी सी बात है आप समझ सकते हैं, उसके विरोध में अंग्रेज जाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज हैदराबाद में जो निजाम का बेटा है नासिर जंग उसको समर्थन देंगे। ठीक है, कर्नाटक की जब बात आ जाएगी तो कर्नाटक में वो डुप्ले के अगेंस्ट में जाके नासिर जंग को कहेंगे, सॉरी नासिर जंग ने, नासिर जंग तो वहां पे है ना, वो यहां पे आके क्या कर देंगे कि जो इसने पूरी रायता जो ये फैला है कि हम डुप्ले के अगेंस्ट में रहेंगे। बात क्लियर है ना, हम डुप्ले के अगेंस्ट में रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये डुप्ले के अगेंस्ट में, फ्रांसीसियों के अगेंस्ट में रहने के लिए ये क्या करेंगे, ये मुजफ्फर जंग से कह देंगे कि हम मुजफ्फर जंग को समर्थन नहीं देंगे, हम नासिर जंग को समर्थन दे देंगे।
ठीक है। और कर्नाटक में हम अनवरुद्दीन को समर्थन दे देंगे, चंदा साहब को समर्थन नहीं देंगे। पूरी चीजें क्लियर हैं। हैदराबाद में अंग्रेज किसके समर्थन में है? नासिर जंग के समर्थन में, ठीक है। कर्नाटक में आएंगे, अंग्रेज किसके समर्थन में है? अंग्रेज अनवरुद्दीन के समर्थन में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। अब वहां पे फ्रांसीसियों की बात करिए तो हैदराबाद में फ्रांसीसी किसके समर्थन में है? निजाम का जो भांजा था मुजफ्फर जंग, उसके समर्थन में है। कर्नाटक में फ्रांसीसी किसके समर्थन में है? चंदा साहब के समर्थन में। दोनों शक्तियां अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती हैं कि यदि जिस भी शक्ति का नवाब या निजाम बनता है तो वो क्या करेगा कि इनको कुछ लाभ पहुंचाएगा। बात क्लियर है ना। अंग्रेज चाहेंगे कि हम नासिर जंग से कुछ हिस्सा ले लेंगे, कुछ लाभ ले लेंगे या कोई छूट ले लेंगे, सही है। और यही चाहते हैं फ्रांसीसी कि हमारा नवाब बन जाएगा तो हमारे उससे मित्रता होगी, वो हमको कुछ छूट देगा, कोई हिस्सा दे देगा, कहीं पे व्यापार करने की स्पेशल छूट मिलेगी, कोई परमिशन मिलेगी। यहाँ तक की चीज़ें मेरे हिसाब से सब क्लियर होंगी, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें सेकेंड कर्नेटिक वॉर में जो इम्पोर्टेंट युद्ध है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको इसमें एक युद्ध याद रखना है, वो युद्ध है अम्बूर का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ अम्बूर याद रखना है, ये 1749 का है। बात क्लियर हो गई यहां तक की। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि संयुक्त सेनाएं आपस में लड़ेंगी, है ना। संयुक्त सेनाएं आपस में लड़ेंगी, जैसे देखिए अब यहां पे ये पूरे एक डायग्राम से, मतलब ये चार्ट है, यहां से भी आप समझ सकते हैं, चीजें क्लियर है ना। अब देखिए मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले, इन तीन की सेना एक जगह हो जाएगी, है ना, क्योंकि फ्रांसिसियों ने मुजफ्फर जंग को समर्थन दिया है और डुप्ले चंदा साहब को समर्थन दिया है डुप्ले ने, तो ये सेना एक तरफ हो जाएगी। जबकि इनके अगेंस्ट में कौन होगा? इनके अगेंस्ट में अंग्रेजों की सेना होगी, ठीक है, नासिर जंग की सेना होगी और अनवरुद्दीन, यानी कि उनकी संयुक्त सेनाएं, इनकी संयुक्त सेनाएं, ये लड़ाई होगी। क्लियर है। तो इसमें क्या हुआ, अम्बूर का जो युद्ध था 1749 का, इसमें मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की जो संयुक्त सेनाएं थी, उन्होंने 1749 में कर्नाटक पर जो अम्बूर की लड़ाई हुई, कर्नाटक पर आक्रमण करने के बाद, तो जो अनवरुद्दीन वाली जो ये संयुक्त सेना थी, है ना, जिसमें अनवरुद्दीन की सेना है और अंग्रेजों की तरफ से भी उसको सहायता मिली हुई है, उसमें अनवरुद्दीन को पराजित किया और अनवरुद्दीन को मार डाला। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब अनवरुद्दीन का जो बेटा है और उत्तराधिकारी भी, ये सीधी सी बात है, मोहम्मद अली, उसने भाग के क्या किया, वो त्रिचनापल्ली चला गया और वहां पे उसने शरण ले ली, ठीक है। तो कर्नाटक का जो शेष भाग है वो किसके पास चला गया? वो चंदा साहब के अधिकार में आ गया। ऑफ कोर्स चीजें क्लियर हैं। अब इन्होंने क्या किया, अर्काट में अपनी राजधानी बना के चंदा साहब ने शासन करना शुरू कर दिया अपना आराम से। और चंदा साहब ने क्या किया, अब देखिए चंदा साहब को नवाब बन गए हैं, समर्थन किसने दिया है, फ्रांसिसियों ने, डुप्ले ने, तो चंदा साहब क्या करेंगे, फ्रांसिसियों को कुछ चीजें देंगे, है ना, कोई लाभ तो पहुंचाएंगे। तो क्या हुआ, फ्रांसिसियों को पांडिचेरी के पास में 80 गांव उनका अनुदान दिया गया, 80 गांव उनको दान दे दिए गए। चीजें क्लियर हो गई इतनी बातें। अब देखिए, अब त्रिचनापल्ली में, चूंकि जो मोहम्मद अली है वो भाग के त्रिचनापल्ली चला गया, तो डुप्ले ने चंदा साहब से कहा कि त्रिचनापल्ली का घेरा डाला जाए, सही है। अब इस बीच अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज देख रहे थे कि फ्रांसिसियों की जो शक्ति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, है ना, उन्होंने क्या किया, तो वो फ्रांसिसियों के अगेंस्ट में रहे, है ना, उन्होंने निजाम का जो पद है उस पर नासिर जंग का पक्ष लिया है। तो नासिर जंग ने क्या किया, अंग्रेजों की सहायता जब उसको मिल गई तो 1750 में उसने क्या किया, कर्नाटक पर अटैक कर दिया, ठीक है। किसने करवाया होगा, किसने ये आइडिया दिया होगा, कौन समर्थन कर रहा है, अंग्रेज, आप समझ सकते हैं, ठीक है। कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और जो जिंजी नदी थी उसके तट पर इसी समय नासिर जंग की जो मतलब उसी तट पर क्या हुआ, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसिसी, फिर से ये संयुक्त सेना आएगी, है ना, जो संयुक्त सेना 1749 में अम्बूर का युद्ध लड़ती है वही संयुक्त सेना यहाँ पे भी आएगी। तो वो संयुक्त सेना आ जाती है, है ना। अब इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया जाता है, लेकिन इसी समय क्या होता है, नासिर जंग की सेना भी जो है वो विद्रोह कर देती है और नासिर जंग जो है वो मर जाता है। बातें समझ में आ रही है। नासिर जंग मर जाता है तो डुप्ले क्या करेगा, नासिर जंग जैसे मरा तो डुप्ले तुरंत ही मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर देते हैं, क्योंकि डुप्ले ने समर्थन दे रखा था मुजफ्फर जंग को, तो वो तुरंत मुजफ्फर जंग को समर्थन देके उसको नवाब बना देते हैं, ठीक है। अब बदले में डुप्ले को कुछ मिलेगा, कुछ तो लाभ मिलेगा, तो बदले में क्या होता है, फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए मिलते हैं,
ठीक है, जो उसके सैनिक थे उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं और डुपले को भी स्पेशली 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए वार्षिक की जागीर दी जाती है। यहां तक की बातें क्लियर है? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की जागीर दी जाती है। अब अंग्रेजों को हताशा होने लगी, ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में कुछ नहीं आया, सब चीजें जो है डुपले ने ले ली, फ्रांसिसियों ने ले ली, तो अंग्रेज इस बात से कहीं ना कहीं क्रुद्ध होंगे, गुस्सा करेंगे। इतनी चीजें क्लियर है ना? तो अब क्या होता है, इसी समय पे जो क्लाइव है, क्लाइव एज अ क्लर्क भर्ती हुआ था है ना, लेकिन यहां से क्लाइव एक आइडिया देता है और उस आइडिया से क्लाइव का प्रादुर्भाव, क्लाइव की पदोन्नति, तरक्की होनी शुरू होती है और क्लाइव सामने हम देखते हैं बाद में वो कितने बड़े पद तक पहुंच जाता है। मैंने आपको जब गवर्नर जनरल वायसराय याद कराए थे तो उसमें उसके बारे में बताया था कि उसका कितना प्रभुत्व हो जाता है, समझ गए, वेटेज हो जाती है उसकी बातों की। तो क्लाइव जो था एक अंग्रेजी क्लर्क था है ना, क्लाइव एक आइडिया देता है कि अर्काट जो है अर्काट पर घेरा डाला जाए है ना, तो चंदा साहब और उसकी सेना क्या करेंगी, वो तिरुचनापल्ली से हट जाएंगी, ठीक है, वो अर्काट में जाएंगी, तिरुचनापल्ली को छोड़ देंगी और हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं, अपना कैंपेन कर सकते हैं, ठीक है। और हुआ भी यही, जैसे ही क्या हुआ, अंग्रेजों की तरफ से अर्काट पर घेरा डाल दिया गया तो चंदा साहब जो थे वो तिरुचनापल्ली को छोड़कर अर्काट की तरफ चले गए और फिर अंग्रेजों ने पहले से प्लान कर रखा था कि हम इस तरफ से चलेंगे, यानी कि तिरुचनापल्ली की तरफ चलेंगे, तो वही हुआ और यहीं से क्लाइव का अंग्रेजी कंपनी में जो उन्नति का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मराठे भी आ जाते हैं बीच में, 1752 का समय आता है ना, जब मैं मराठों के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा तब भी कि मराठे कभी तो अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं, ठीक है, कभी वो अंग्रेजों के विरोध में जाते हैं, सही है, कभी वो निजाम के विरोध में रहते हैं, कभी वो निजाम के समर्थन में रहते हैं, तो ऐसा क्या था, तो इन कारणों पर हम बात करेंगे जब हम एंग्लो मराठा वार पढ़ेंगे तब, है ना। तो 1752 का समय है जिसकी हम बात कर रहे थे, 1752 में क्या होता है, मराठा सरदार थे मुरारी राव है ना, उनके सहयोग से अर्काट पर आक्रमण कर दिया जाता है और चंदा साहब का जो बेटा था राजा साहब उसके नेतृत्व वाली सेना होती है उस सेना को पराजित कर दिया जाता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब इसी बीच मेजर लॉरेंस है, अंग्रेजी मेजर जो है लॉरेंस, वो चंदा साहब से तिरुचनापल्ली का घेरा उठाने को कहते हैं कि आप तिरुचनापल्ली से अपना घेरा, जो अपनी सेना बची है यहाँ पे, उसको हटा दीजिए। इतनी चीजें क्लियर होगी, लेकिन होता नहीं है ऐसा, लेकिन इसी बीच क्या होता है, जो तंजोर का राजा था, तंजोर का राजा मार दिया जाता है ना। अब इस प्रकार क्या हुआ कि जो कर्नाटक का नवाब है, कर्नाटक का नवाब जो था वो मोहम्मद अली बन जाता है। चीजें क्लियर हुई, कुछ कुछ बातें कुछ गड़बड़ लग रहा होगा, थोड़ी सी कहानी उलझी उलझी लगेगी, तो पीडीएफ आप पढ़ेंगे तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी है ना। इसी बीच जब फ्रांसीसी सरकार देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डुपले के होने की वजह से भारत में परिस्थितियां जो है वो बार बार युद्ध की बन जाती है, लड़ाई झगड़े की बन जाती है, तो फ्रांसीसी सरकार जो होती है 1754 में डुपले को वापस बुला लेती है, ठीक है, और गोडेहू को पौंडीचेरी का गवर्नर बना के भेज दिया जाता है। गोडेहू जो है अंग्रेजों से आते ही क्या करता है, पौंडीचेरी की संधि कर लेता है और कहता है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, संधि कर लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं, यहां तक की बातें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। अब आप आते हैं, पांडिचेरी की संधि हो जाती है दोनों के बीच कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के व्यापार में बाधा नहीं डालेंगे, ये सब बातें होती हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव क्या रहा, इसका प्रभाव आप जानिए कि जो डुपले का सपना था है ना वो अधूरा रह जाता है। डुपले का सपना क्या था कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति को सर्वोपरि बनाना, ठीक है, तो वो सपना उसका अधूरा रह जाता है और गोडेहू जो आया ये एक तरीके से अदूरदर्शी था, ये अंग्रेजों को नहीं समझ पाया, इसने आके जो यहाँ पे संधि कर ली तो कहीं ना कहीं उसने फ्रांसीसियों के पतन की एक तरीके से नींव डाल दी, चीजें क्लियर हैं। और डुपले का भारत से जाना ये फ्रांसीसियों का एक हार का स्टार्ट होना है सबसे पहली बात, ठीक है। अब डुपले यही कहता है कि गोडेहू ने जो ये संधि कर ली ना, गोडेहू जो पांडिचेरी की संधि कर लेता है, इसने अपने देश के विनाश और अपने देश के असम्मान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं पांडिचेरी की संधि पे। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम तीसरे कर्नाटक युद्ध की तरफ। तीसरा कर्नाटक युद्ध, देखिए पांडिचेरी की जो संधि है वो अस्थाई थी है
है ना, क्योंकि इसका जो अनुसमर्थन है वो दोनों देशों की सरकार द्वारा किया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच क्या होता है, 1756 में, है ना, पॉन्डिचेरी की संधि होती है 1755 में, इसी बीच क्या होता है 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है, 7 ईयर वॉर शुरू हो जाता है वहां पे यूरोप में। बात क्लियर हो गई? जिससे क्या होता है कि फिर से फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के विरोध में आ जाते हैं, है ना, और 1757 से ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसका परिणाम होता है कि 1758 में भी युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, दक्षिण में फ्रांसीसी ने तिरुचनापल्ली को लेने का प्रयास किया लेकिन ले नहीं पाए, है ना, तिरुचनापल्ली अंग्रेजों के पास चला गया था ना सेकंड कनेडिक वॉर के बाद ही। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रांसीसी फिर से उसको लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन कर्नाटक के अधिकांश भाग पर उनका अधिकार हो जाता है फ्रांसीसियों का। ठीक है, 1757 पे जब हम आते हैं उधर, जब प्लासी की बात होंगी, प्लासी पर आने से पहले 1757 में कुछ घटनाक्रम है वो जान लीजिए, कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पटना, ये जो यहाँ पे जो फ्रांसीसियों की फैक्ट्रियां थी उन पर अधिकार कर लिया। चीजें क्लियर हो गई यहां तक की? तो इसका भी कारण आपको जाने, यदि तो थर्ड कर्नाटिक वॉर का भी कारण कहाँ है, वो यूरोप में छिपा हुआ है, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में छिपा हुआ है। मेरी बातें क्लियर हो रही है यहां तक कि, मुझे लगता है? ठीक है, अब देखिए थर्ड कर्नाटिक वॉर में आपको क्या करना है, थर्ड कर्नाटिक वॉर में आपको वांडीवाश का युद्ध याद रखना है। ठीक है, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 22 जनवरी 1760, डेट मिलती है कहीं पे, 1759 भी डेट मिलती है। ठीक है, क्योंकि दिसंबर से ये परिस्थितियां होना शुरू होती हैं, तो इसलिए कुछ इतिहासकार 1759 की डेट ले लेते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं 1760 की डेट है। चीजें क्लियर हैं? अब देखिए मैं यदि बताऊं, युद्ध का वास्तविक आरंभ जो है वो तो 1758 में ही हो जाता है। कैसे? जब फ्रांसीसी सरकार जो थी वो काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक और असैनिक जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त करने का एक अधिकार दे देती है। ठीक है, मतलब इन सब का, भारत में जितने भी फ्रांसीसी बस्तियां हैं, कंपनी जो है ये फ्रांसीसी, भारत में जो फ्रांसीसी सैनिक हैं या असैनिक अधिकारी हैं उन सब का अधिकारी किसको नियुक्त कर दिया जाता है, उन सब का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है काउंट डी लाली को। ठीक है, अब लाली जो है वो 1758 में, मैं क्यों कह रहा हूँ कि युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 से होता है, तो 1758 में लाली जो है वो फोर्ट सेंट डेविड था उसको जीत लेता है ना, और इसके पश्चात वो मद्रास को घेर लेता है। समस्या तो यहां से पैदा होती है। ठीक है, लेकिन जो अंग्रेजी नौसेना है जब वो शक्तिशाली हो गई है, अब वो आ जाती है तो वहां से उसको अपना घेरा उठाना पड़ता है। समझ गए? तो युद्ध की वास्तविक शुरुआत कहां से हो गई, 1758 से ही हो गई। ठीक है, अब वांडीवाश के युद्ध के बारे में बात करिए, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच आप ये कह सकते हैं कंक्लूसिव लड़ाई थी, एक ये निर्णायक लड़ाई थी, है ना, वांडीवाश में लड़ी गई। ठीक है, आयरकूट के नेतृत्व में, आयरकूट का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो है वो, अब उधर से फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन करेगा, काउंट डी लाली, है ना, तो अंग्रेजी सेना जो होगी आयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो कि लाली उसको नेतृत्व दे रहे हैं उसको पराजित कर देती है। ठीक है, और इस युद्ध पे ही टिप्पणी करते हुए माल्सन एक स्टेटमेंट देते हैं। माल्सन कहते हैं कि वांडीवास के युद्ध ने उस महान भवन का जिसे डुप्ले ने निर्मित किया था, ठीक है, उसको ध्वस्त कर दिया। बात क्लियर हो गई कि वांडीवास के युद्ध ने, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब यह है कि वांडीवास का युद्ध हो जाता है, फ्रांसीसी फेल हो जाते हैं, है ना, हार जाते हैं, तो ये कहने का मतलब माल्सन का ये है कि जो डुप्ले चाहता था वैसा नहीं हुआ, तो डुप्ले ने जो भवन तैयार किया था उसको ये ध्वस्त कर दिया वांडीवाश का युद्ध। चीजें क्लियर हो गई? 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, और अगले एक साल के अंदर अंदर क्या हुआ, 1762 से 1763 आते आते क्या हो गया कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने लगभग क्षेत्रों पर, यानी कि फ्रांसीसियों के जो भारत में जो क्षेत्र थे, लगभग फ्रांसीसियों के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। बात क्लियर हो गई? अब ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो पेरिस में 1763 की, मतलब यूरोप के पेरिस में क्या होता है, 1763 में संधि हो जाती है जिसको पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, कब हुई थी, 1763 में, यह आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई? इस संधि में था क्या, यदि मैं आपको ये बताऊं कि पेरिस की संधि में क्या है, तो पेरिस की संधि की कुछ बातें आप महत्वपूर्ण याद रख लीजिए कि वो क्या,
इस संधि से अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत में जो उनके कारखाने हैं वो तो लौटा दिए गए, है ना। अब लेकिन लेकिन ना तो अब उनकी किलेबंदी की जा सकती है और ना ही सैनिक वहां पे घेरा डाल सकते हैं, है ना। यानी कि फ्रांसीसी केवल व्यापारिक कार्य कर सकते हैं। ये एक तरीके से मोटा मोटा कंक्लूजन है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो फेल हो गए। बात क्लियर है ना मेरी इतनी? मुझे लगता है कि मैं अपनी इतनी बातें आपको समझा पा रहा हूँ आसानी से, ठीक है। अब तृतीय युद्ध जो कर्नाटक युद्ध था वो निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? पराजय से भारत में जो फ्रांसीसी जो साम्राज्य की स्थापना है उसके सारे अवसर नष्ट हो गए और अब वो केवल एक व्यापारी बनकर रह गए। चीजें क्लियर हो गई इतनी? अब फ्रांसीसियों की पराजय में बहुत सारे कारणों को गिना जाता है ना। जैसे उनके एक तो नौसेना पे भी क्वेश्चन उठते हैं कि वो अंग्रेजों के सामने उनकी नौसैनिक शक्ति जो थी वो कमजोर थी, तो ठीक है। लेकिन आप एक बार इसको पढ़िए जरूर, कि ऐसे तो बहुत सारे कारण गिने जाते हैं। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो फ्रांसीसियों के फेलियर के कारण मैं बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं वापस वो समय नहीं देना चाहता हूँ। समझे आप मेरी बात को? ठीक है, अब हम आते हैं बैटल ऑफ प्लासी की तरफ, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी पे आप आइए तो बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम तो पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। किस तरीके से ये हुआ था, इसमें कौन कौन से घटनाक्रम थे जो आपको याद रखने थे, कैसे सेना जो है इधर की सेना उधर मिल जाती है, सिराज का क्या रोल था, ये सब बातें मैंने आपको बताई है ना। लेकिन फिर एक बार हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करके शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो डेट अगर याद रखनी हो तो याद रख लीजिए, 23 जून डेट थी, है ना। और क्लाइव की सेना थी, ठीक है, क्लाइव की सेना थी। अब उसमें नंबर में भी कई बार बात पूछ ली जाती है, जैसे स्टेट पीसेस छोटे एग्जाम होते हैं उनमें, तो यूरोप पैदल सैनिक थी, तोप वाले भी थे, है ना। भारतीय लोग भी शामिल थे, 2000 से ज़्यादा भारतीय लोग शामिल थे, ठीक है। तो उधर नवाब की जो सेना है उसके कितने? लगभग 50,000 सैनिक है ना। लेकिन फाइनली ये हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, फाइनली होता क्या है, अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं। रीजन इसका ये है कि नवाब का जो सेनापति है वो अंग्रेजों की तरफ जाके मिल जाता है, ठीक है। कारणों में इसके जो तात्कालिक कारण था उसको गिना जाता है कि ब्लैक होल का रीजन भी था, है ना। जो ये बताया जाता है कि नवाब जो है को अंग्रेजों को अंग्रेज जो व्यक्ति थे 146 उनको बंद कर देता है, जिनमें से केवल 23 जिंदा मिलते हैं, समझ गए ना। तो इन सब के बारे में तो हमने पिछली क्लासेस कर रखी है, उनमें भी लिखा हुआ है, वो सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यदि थोड़ा सा फिर भी बताने की बात आती है तो मैं आपको परिणाम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड तो आप सब जानते हैं, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं ले रहा, सही है। अब मैं इसके यदि आपको थोड़ा सा एक परिणाम या इसके एक महत्वपूर्ण परिणाम के बारे में बताऊं क्या हुआ, तो प्लासी के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में एक कथन है मेल्सन का ही। मेल्सन ने कहा कि इतना तात्कालिक स्थायी और प्रतिभाशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ, मतलब इतना जल्दी हो गया और इतने बड़े परिणाम दिए, इतने प्रतिभाशाली या प्रभावशाली आप इसको कहिए, इतने प्रभावशाली और इतने बड़े परिणाम दिए, है ना। इस युद्ध में विजय से क्या हुआ कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव थी वो बंगाल में डल गई, है ना। जो जदुनाथ सरकार है उनका एक कथन आता है कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया। बात क्लियर? यहां से इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1757 के बाद ये निर्णायक युद्ध अंग्रेजों के लिए इसलिए साबित होता है कि प्लासी के युद्ध के बाद से ही बंगाल में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो जम जाता है और अंग्रेज एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में निकल के सामने आते हैं। मेरी बातें यहां तक की क्लियर है ना सारी, है ना। अब यहीं से चीजें स्टार्ट होती है। जब आप कोई बुक आप देखते होंगे तो इतिहासकार क्या है कि आधुनिक भारत के इतिहास को प्लासी से स्टार्ट मानते हैं, है ना। प्लासी पे मैं इसलिए ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम लोग इसको काफी बार पढ़ चुके हैं, है ना। हमारे लाइव सेशन में भी हमने इसको किया है, जो हम पिछले लाइव सेशन थे उनमें भी हमने किया है, जो रिकॉर्डेड सेशन आपको चैनल पे मिलेंगे उनमें भी हम इसको अच्छे से कवर कर चुके हैं, समझ गए। तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। और वैसे भी हर बुक में जब बच्चा पढ़ता है तो वो प्लासी के युद्ध को जरूर पढ़ता है। कई बुक तो प्लासी के युद्ध से ही शुरू होती है ना, जैसे शिखर बंदोपाध्याय वाली जो बुक है वो प्लासी के युद्ध से ही शुरू होती है, समझे ना। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि हाँ प्लासी का जो ये युद्ध है इसी से आधुनिक भारत के इतिहास का शुभारंभ होता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए
अब हम बात कर लेते हैं जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था उसके बारे में, ठीक है। डेट याद रख लीजिए, मिलाने के लिए कभी आ जाए तो पूछ सकता है। 14 जनवरी 1761 का है, ठीक है। यह युद्ध मराठों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी क्षति के रूप में साबित होता है, ठीक है। देखिए, बालाजी बाजीराव के समय की यह प्रमुख घटना है ना। अब इस युद्ध में मराठों और अफगानिस्तान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच ये युद्ध हुआ है। मराठे हैं, उधर से अफगान शासक हैं अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है और मराठे हार जाते हैं, ठीक है। 1759 में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1759 के अंतिम दिनों में क्या होता है, अब्दाली सिंधु नदी को पार करके पंजाब को जीत लेता है, ठीक है। और जो इधर से ये साबा जी और दत्ता जी सिंधिया जो होते हैं वो उसको रोकने में सफल नहीं होते हैं और वो वापस दिल्ली की ओर चले जाते हैं, ठीक है। अब दिल्ली के उत्तर में लगभग 10 मील दूर तक जो बराड़ी घाट के छोटे से युद्ध में दत्ता जी जो होते हैं मराठों की तरफ से वो मारे जाते हैं, है ना। सिंधिया और मल्हार राव होलकर भी अब्दाली को रोकने में सफल नहीं हो पाता, यानी कि अब्दाली को रोका नहीं जाता है और फाइनली अब्दाली पहुंचता है, मराठों को बुरी तरीके से पराजित करता है। यहाँ तक की चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर होगी, ठीक है। अब इससे और थोड़ा सा मैं आपको इसी के साथ में जोड़ूँ तो बालाजी बाजीराव जो थे पेशवा थे उस समय, वो सदाशिव राव भाऊ को दिल्ली की तरफ भेजते हैं कि जाइए आप दिल्ली की तरफ जाइए, आप संभालिए आगे नेतृत्व को, अब्दाली को यहाँ तक आने से रोकिए, ठीक है। तो वो आ जाते हैं 22 अगस्त को, सदाशिव राव जो थे 1760 में ही दिल्ली पर अधिकार भी कर लेते हैं, दिल्ली को जीत लेते हैं आप ये कह सकते हैं, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में दोनों के बीच में युद्ध होता है, मराठे पराजित हो जाते हैं। इसी संदर्भ में जो इतिहासकार हैं जेएन सरकार, जदुनाथ सरकार जी, वो फिर से एक बात कहते हैं कि महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा रहा होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो, और कुछ परिवारों का तो सर्वनाश हो। समझ में आ रही है बातें? तो पानीपत का युद्ध इसलिए मराठों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जो साख थी या उनकी जो सैनिक क्षमता थी उसको चूर चूर कर देता है ये युद्ध। समझ पाए आप मेरी बात को? तो मराठों के लिए काफी शॉकिंग होता है, है ना। एक तरफ ये होता है कि ये जो पेशवा थे, पेशवा भी जब ये इमेंस डिफीट जब ये होती है तो इसके शौक से पेशवा भी मर जाते हैं, है ना। अब यदि हम पानीपत के युद्ध के राजनीतिक महत्व के बारे में बात करें तो पानीपत के युद्ध के प्रभाव पर इतिहासकारों में मतभेद है, बहुत है, सब अपनी अपनी कुछ कुछ बातें कहते हैं। जैसे मराठा इतिहासकारों की यदि हम बात करें तो मराठा इतिहासकारों के अनुसार 75,000 सैनिकों के अतिरिक्त राजनीतिक महत्व में कुछ नहीं खोया, मतलब 75,000 सैनिक खो दिए लेकिन राजनीतिक स्तर पर हमने कुछ नहीं खोया, ठीक है। मराठा अब्दाली को भी इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, ऐसा जो मराठा इतिहासकार हैं वो कहते हैं। जबकि ऐसा जब जेएस सरदेसाई इतिहासकार है वो लिखते हैं कि युद्ध स्थल में मराठों के सैन्य बल की इतनी अधिक क्षति हुई कि इसके अतिरिक्त इस युद्ध ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया, यानी कि मराठों की जो अब तक जो सैनिक शक्ति थी, जो उनका गुरूर था, वो सब चकनाचूर हो गया। मराठों की सैनिक शक्ति पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, है ना। अब ऐसी तरीके से काशीराज पंडित जो है वो कहते हैं कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठों के लिए प्रलयकारी युद्ध साबित होता है, है ना। पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, बल्कि ये बात क्लियर कर दी कि वो शक्ति मराठे तो नहीं होंगे। बात क्लियर है? एक बात सही है ना कि पानीपत के, ये सरदेसाई ने लिखा है कि पानीपत के युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया, ये बेशक से डिसाइड नहीं किया हो कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन ये जरूर डिसाइड कर दिया कि भारत पर मराठे तो शासन नहीं करेंगे, है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भारत में सर्वोच्चता के संघर्ष के लिए एक अन्य प्रतिद्वंदी ला खड़ा कर दिया, कौन, अब्दाली, है ना। तो वास्तव में इस युद्ध का सीधा परिणाम था यही कि भाई मराठे तो इस, मराठे ही बाहर हो जाएंगे। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? तो इस इसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया और मराठों की पीछे जो पराजय है, सॉरी माफ करना, मराठों की जो पराजय है वो सिखों के उदय में सहायक बनती है, समझे। यानी कि जो कहीं ना कहीं जब हम सिख युद्धों पे जाएंगे तो हम एक बार फिर से मराठों की तरफ आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से मुझको ऐसा लगता है कि आज के इस सेशन को हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने कर्नाटक युद्धों को समझा है, हमने प्लासी का युद्ध समझा है, बक्सर का युद्ध समझा है, अच्छा बक्सर का तो अभी आएगा, हमने पानीपत का तीसरा युद्ध समझा,
ठीक है। इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में, जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बारे में बात करेंगे, जो आंग्ल मराठा युद्ध है उनके बारे में बात करेंगे। इस कोर्स के बारे में एक अच्छी बात, जो ये सेशन है इसके बारे में एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि हम इस तरीके से नहीं पढ़ने वाले हैं कि सभी वॉर जो है एक साथ पढ़ लिए। मतलब जैसे आप मानिए जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो पढ़ लिए और उसी के साथ में हमने सारे एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ डाले, ऐसे नहीं करने वाले हैं। हम कैसे करेंगे, हम क्रम से चलेंगे, यानी कि हम ईयर के हिसाब से चलेंगे, एक क्रोनोलॉजी के क्रम में हम चलेंगे। जैसे मैंने जो क्रोनोलॉजी से सेट किया पूरा, उसको आप देखिए, पहले कर्नाटक युद्ध हुए आधुनिक भारत के इतिहास में तो हमने उसको पढ़ा, फिर 61 में हम आते हैं, हमको दिख जाता है कि पानीपत का युद्ध, उससे पहले प्लासी 1757 में हो जाता है, तो हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा। फिर हम 61 पे आ गए, हमने देखा पानीपत का तीसरा युद्ध है ना, जबकि बुक में आपको कैसे मिलेगा कि युद्ध है तो सारे एक जगह मिल गए, या क्लासेस में भी ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो फिर हम 61 के बाद हम कब आएंगे, हम आएंगे 64 में, बक्सर पे आ जाएंगे। इसी तरीके से आगे चलेंगे कि हम पहले प्रथम आंग्ल मैसूर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आंग्ल मराठा होता है प्रथम, तो हम प्रथम आंग्ल मराठा पढ़ेंगे, ना कि दूसरा आंग्ल मैसूर, समझे। फिर प्रथम आंग्ल मराठा के बाद सेकेंड आंग्ल मैसूर होता है, और उसके बाद ही थर्ड आंग्ल मैसूर होता है, और उसके बाद 1799 में फोर्थ आंग्ल मैसूर होता है। तो ये जो क्रम है इसी क्रम के हिसाब से चलेंगे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम चलेंगे। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं, मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगले सेशन में, जल्द होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या तो कम्युनिटी टैब में डाल के बता दूंगा, या फिर जब टेलीग्राम पे जो बच्चे हैं मैं उनको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर बताना, कोई डाउट रहे तो कमेंट करके